हेलो सब गाइस, होस्ट हर्ष, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज यहाँ पर हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। तो बहुत से लोग यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्टेड थे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में जानने के लिए। मैंने ऑब्वियसली मैं रिसर्च तो करता हूँ कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पर इंटरेस्टेड है यूट्यूब में, तभी जाके मैं भी खुद वीडियो बनाता हूँ जैसे इन्वेस्टिंग में रिसर्च चलती है। पहले यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, ये एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक का मतलब तो आपको पता ही होगा, नो नॉट मच ऑफ वैल्यूएशन, और लिस्टेड में भी ज़्यादा काफ़ी कम प्राइस होती है। पहले यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल ने काफ़ी पिछले टाइम में यहाँ पे अभी फिलहाल 1 रुपये पर ट्रेड करा था, और अभी 1.50 तक ये चला गया है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर स्टॉक में ऑलमोस्ट लोगों के पैसे ऑलमोस्ट डबल होने को आए। अगर 2 रुपये पे चला जाएगा तो डबल होने के आएंगे। ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ हमें नज़र आए अभी। ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑफ द अप्रैल, इसने एक तारीख से लेके आज तक ऑलमोस्ट लोगों को इसने 50% रिटर्न दिया। तो वेल, यहाँ पर क्या ये शेयर आपको करोड़पति बना सकता है, ये सवाल पैदा होता है। तो इसलिए हम सारी एनालिसिस करेंगे कंपनी की, कंपनी क्या है, कैसी है, एक्चुअली में क्या आपको करोड़पति अंडरलाइन में बना सकती है या नहीं। पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर कंपनीज के बैलेंस शीट में। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग टर्म में ये शेयर काफ़ी गिरा है। 2018 के बाद से स्टॉक में जो गिरावट स्टार्ट हुई है, बाद में थोड़ी रिकवरी आई अक्टूबर के बाद, बट फिर भी यहाँ पर गिरावट आई है वो अभी तक रुकी नहीं है, और अभी भी इसमें गिरावट बाकी है। हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा टर्नओवर लेता हुआ है, बट फिर भी ऑल ओवर इसमें लॉन्ग टर्म में गिरावट तो है। तो हम पहले जानने की कोशिश करेंगे गिरावट क्यों है, और 2018 के बाद ही क्यों है। 2018 के पहले इतना अच्छा काफ़ी ट्रेड करा था, बट उसके बाद ही क्यों ये गिरावट आई। पहले यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक बैलेंस शीट लगा के रखी है, ऑलमोस्ट ये 19, 18, 17, 16 और 15 की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे, सबसे पहले ये वर्ड मैं बार बार यूज करूँ, आई डोंट नो वाई, सो आई एम जस्ट सॉरी फॉर दैट। सो वेल, हम देखते हैं यहाँ पर रेवेन्यू, अगर इस साल में देखा तो काफ़ी अच्छा है, पिछले साल भी काफ़ी अच्छा था, उससे पहले भी ठीक था। और हमें यहाँ पर 2017 में थोड़ी रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है, वेल 2000 एज कम्पेयर 2016, और अभी थोड़ी सी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। ये बातें ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी याद आएंगे। वेल, यहाँ पर मेन थिंग, हम डायरेक्टली ऑन पॉइंट पे आते हैं, मैं आपको सारा कचरा वगैरह नहीं बताऊंगा, सीधे पॉइंट पे आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, वेल अगर हम देखें यहाँ पर 2000 एंड ये कौन सा है, ये 16, 17, 18, 19, ओके 15, 16, 17, 18, 19, याद रखो, आपको भी आप भी कंफ्यूज हो जाएगा मेरे से। वेल यहाँ हम देखते हैं तो 15 में देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट काफ़ी कम था, 16 में यहाँ पर प्रॉफिट काफ़ी बड़ा। तो वेल हम देखते हैं यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर लिस्टेड नहीं थी उस टाइम पे, ये ऑलमोस्ट 2017 में अप्रैल में आई इसी, तो हैप्पी बर्थडे ऊर्जा ग्लोबल। सो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जाके ऑलमोस्ट लिस्टेड नहीं थी उस टाइम पे, काफ़ी ग्रोथ हो जाती है अगर होती तो। 2017 में यहाँ पर, फॉर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2017 में 1.3 का यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई ग्रोथ नज़र नहीं आई, प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं 17 में, और 18 में यहाँ पर 1.14 की ग्रोथ। वेल यहाँ पर 1.14 की ग्रोथ तो है, तो हम यहाँ पर जाके देखते हैं 2017 में, उसके बाद 2018 में, इसके बाद ये यहाँ पर जब रिजल्ट्स आए इसके, तब ये गिरना चालू ही, और उसके बाद से आज तक अगर हम अभी प्रॉफिट देखें, ये सिर्फ स्टैंड अलोन का प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड भी दिखाएंगे, इसमें प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, बट यहाँ पर जब हम कंसोलिडेटेड दिखाएंगे, कंसोलिडेटेड मतलब सारी जो बिजनेस है इसके एक्चुअल में, ऊर्जा ग्लोबल के जो एक्चुअल में इसका यहाँ पर करती है वो, तो अगर यहाँ पर प्रॉफिट है फिर भी यहाँ पर डाउनफॉल क्यों है, फिर भी यहाँ पर डाउनफॉल क्यों है, तो इसका आंसर हमें कंसोलिडेटेड में नजर आएगा। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आपको यहाँ पर बस दिखा रहा हूं कि मैं इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले इसमें एक्चुअल में गिरावट क्यों आई, अभी आपको समझ में आएगी। 15, 16, 17, 18, 19 याद कर लो। वेल यहाँ पर हम आएंगे डायरेक्टली प्रॉफिट, यहाँ पर टैक्सेस वाले के साथ, यहाँ पर कंसेशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर 15 में यहाँ पर लॉस था, 16 में यहाँ पर प्रॉफिट आया,
17 में यहाँ पर प्रॉफिट आया और 18 में वापस लॉस हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जाते हैं ऊर्जा ग्लोबल के पास और आप देख सकते हैं यहाँ अराउंड समवेयर इसके बाद इसने गिरावट चालू की। मार्च उसके बाद 2018 में इसने प्रॉफिट बिल्कुल नहीं किया था, इसने लॉस किया था 2018 में। उसके वजह से इसने या काफी गिरावट दिखाई, अभी जाके गिरावट दिखाई। उसके बाद हम यहाँ पर आके देखते हैं कि आगे क्या होगा। यहाँ पर अभी तक इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, टैक्स तो दिखाया गया है सेम एज लास्ट ईयर है, इसलिए तो यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई प्रॉफिट दिखाया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अभी तक और भी शख्स आया, शायद इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, इसके वजह से यहाँ पर 0-0 दिखाया गया है सारे जगह। प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स 55-55 एंड अगर हम देखें तो यहाँ पर 0-0-0-0 सब जगह 0-0-0-0 जगह दिखाई दे रहा है, ना ही माइनस है ना ही कुछ है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर कोई कंपनी में ग्रोथ हमें नजर नहीं आ रही फिलहाल, तो फिलहाल यहाँ पर कोई कंपनी में ग्रोथ नहीं है क्योंकि कंपनी इन शॉर्ट लॉस में है, इन शॉर्ट कंपनी लॉस में है, इसके वजह से यहाँ पर डाउनफॉल नजर आ रही है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्या ये बाय करे, तो फॉर अराउंड 1 साल के पीरियड के लिए तो मुझे कंपनी में ग्रोथ इतनी नजर नहीं आती। कंपनी शायद और यहाँ पर ही कंसोलिडेट करे या फिर और गिर जाए, बट यहाँ पर फ्यूचर देखे कंपनी का तो फ्यूचर यहाँ पर कंपनी का मतलब फ्यूचर यानी नेक्स्ट 5 ईयर्स, इसलिए हम फ्यूचर बोलते हैं। फ्यूचर यानी कल का दिन या परसों का दिन वाला फ्यूचर नहीं, फ्यूचर मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स में कंपनी हमें काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो एनर्जी के सेक्टर में आता है। और अगर हम करंटली इसका पीई भी देखें तो पीई में भी ये काफी महंगा नजर आ रहा है, काफी महंगा नजर आ रहा है। ये सेक्टोरल इंडेक्स 23 है, ये निफ्टी 500 में आता है, फिर भी कंपनी का पी काफी ज्यादा है जो कि बुरी बात है, ऑब्वियसली काफी बुरी बात है। बट अगर हम कंपनी को देखें नेक्स्ट 5 ईयर्स में, यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल नजर आती है, कंपनी में डेप्थ भी है, कंपनी में डेप्थ भी है, वो आपको भूलना नहीं है। कंपनी में डेप्थ भी हमें नजर आता है अगर हम यहाँ पर भी देखें वेल में, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेप्थ आई गेस दिखाया नहीं है, दिखाया नहीं है यहाँ पर आई गेस, बट फिर भी कंपनी में डेप्थ भी है। हमें टोटल बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा तो फिर हमें यहाँ पर डेप्थ दिखा देगा, बट कंपनी में डेप्थ भी है इसलिए वो काफी काफी बुरी बात है कंपनी के लिए। इसलिए संभल के थोड़ा इन्वेस्ट करना है तो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम करो और ज्यादा पैसा मत डालो, ज्यादा पैसा मत डालो, कम पैसा डालो, ऐसा पैसा डालो जो आप चला भी गया ना तो भी कुछ लगेगा नहीं, तो भी आपके दिल को लगेगा नहीं कि हाँ भाई मैंने महीने में एटलीस्ट 50,000 कमाता हूं तो मैंने 5,000 ऊर्जा ग्लोबल में लगा दिए। और ये इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं है, हम इन्वेस्टिंग एज इन देखेंगे बट ये ट्रेड इन्वेस्टिंग की तरह नहीं हो सकती। हम ऊर्जा ग्लोबल में इन्वेस्ट करें फॉर अ लॉन्गर टाइम, लॉन्गर टाइम करना है तो ही करो, शॉर्ट टर्म 1 साल एटलीस्ट मैं यहाँ पर कंपनी में बता नहीं सकते, वी नेवर नो द फ्यूचर, बट 1 साल में कंपनी शायद प्रॉफिटेबल बनेगी तो स्टॉक जरूर बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अभी भी 1 रुपये भी बाय कर लिया तो आप जस्ट इमेजिन क्या रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। यही चीज ऊर्जा ग्लोबल में बहुत से लोगों को ललचा रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसने ये हाई भी छू लिया, 5 रुपये भी चला गया ना, तो जस्ट इमेजिन ये क्या रिटर्न दे सकता है, 1,000 गुना रिटर्न आपको मिल सकता है। 1.5 पे थोड़ा कम आएगा, कैलकुलेशन मेरा इतना चलता नहीं है, बट 1 रुपये से अगर आप देखें तो 1,000 गुना रिटर्न आ सकता है, 950 गुना रिटर्न अभी आ सकता है 5 रुपये में भी, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एटलीस्ट थोड़ा सा अमाउंट, जो ऐसा अमाउंट जो आप चला भी गया तो भी आपके दिल को लगेगा नहीं, ऐसा अमाउंट आप ऊर्जा ग्लोबल में लगा सकते हैं। क्योंकि पेनी स्टॉक्स, आप मेरा चैनल का नाम है वुल्फ ऑफ दलाल स्ट्रीट, तो अगर आपने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में ये मूवी देखी होगी तो उसमें जॉर्डन बेलफोर्ट जो होता है वो यहाँ पर पेनी स्टॉक्स बेच के अपने पैसे कमाता है, और वो एक बात पेनी स्टॉक्स को बोलता है कि ये पेनी स्टॉक्स वो कंपनी होती है
जिसमें अगर मेरे को कोई बोलेगा कि 1 रुपया भी लगा दो ना, फिर भी मैं लगाऊंगा नहीं, ऐसा वो बोलता है। तो आप अभी इसी से बता सकते हो कि लगाना है नहीं लगाना आपके ऊपर भी है। इसलिए मैं बोला कि ऐसा पैसा लगाओ जो चला भी गया तो भी आपके दिल को लगेगा नहीं, ऐसा लगाओ। अगर हम देखें यहाँ पर ये सारे सिग्नल्स दे रहे हैं, बट डिविडेंड वगैरह तो इसमें भूल ही जाओ, ये तो बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते इसमें, ये कंपनी में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वो एक्सपेक्टेशन ही मत रखो डिविडेंड वगैरह कुछ की चीज़ की। बट यहाँ पर मैं बताऊंगा कि वापस ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इनका मेन मनी रहता है, मेन कैपिटल रहता है, वो ही ऐसे कंपनीज में लगा देते हैं रिस्कली, बोलेंगे कि हाँ थोड़ा डबल हो जाएगा, कुछ टाइम में निकल लेंगे, मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए वेल फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा हो सकता है।